जिला महानगर कांग्रेस कमेटी मुरादाबाद केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा 8 नवंबर 2016 को की गई नोटबंदी के कारण देश के कई लोगों को हुई जानमाल तथा आर्थिक क्षति को ध्यान में रखते हुए निम्न बिंदुओं पर कार्यवाही की अपेक्षा करती है। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री ने बिना सोचे समझे 500 एवं 1000 के नोटों को चलन से बाहर करने की घोषणा की तथा कहा कि इससे काला धन का पता चलेगा तथा आतंकवाद एवं नक्सलवाद पर विराम लगेगा। आज देश जानना चाहता है कि कितना काला धन वापस आया, नक्सल एवं आतंकवाद पर कितनी रोक लगी। दूसरा बिंदु यह है कि देश 15 लाख करोड़ मुद्रा का अकस्मात चलन से बाहर करने के उपरांत 15.31 लाख करोड़ की मुद्रा का बैंक के माध्यम से जमा होना साबित करता है कि माननीय प्रधानमंत्री के तुगलकी फरमान से क्या हासिल हुआ है। साथ ही 7965 करोड़ नई मुद्रा की छपाई में लगे धन के दुरुपयोग के लिए कौन जिम्मेदार है, उन पर क्या कार्रवाई करेंगे। तीसरा बिंदु यह है कि सैकड़ों लोगों को बैंकों की लाइनों में लगाकर पुलिस की लाठियां खानी पड़ी एवं उनकी जाने गई, उनकी बच्चियों की शादियां टूट गई। इन सभी घटनाओं के लिए जिम्मेदार लोगों पर विगत 2 वर्षों के दौरान आपके द्वारा कार्रवाई की गई, यह देश की जनता जानना चाहती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट के बावजूद पेट्रोलियम कंपनी जनता से मोटी रकम की उगाही कर रही हैं और उन्हें लगभग दुगनी कीमत पर पेट्रोलियम पदार्थ खरीदने के लिए बाध्य किया जा रहा है। आपके स्तर से इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है। मुद्रा स्फीति अपने उच्चतम स्तर पर होने के बावजूद असहाय सी क्यों दिख रही है एवं डॉलर के मुकाबले रुपया किस कदर गिरने की होड़ में है, क्या इस पर भी आप द्वारा संज्ञान लेकर सरकार को निर्देशित किया जाए। लाइव डिस्ट्रिक्ट न्यूज से मनोज सैनी की रिपोर्ट, मुरादाबाद। हमारा जिला कांग्रेस कमेटी, महानगर कांग्रेस कमेटी का संयुक्त रूप से जिलाधिकारी कार्यालय पर एक प्रदर्शन था। उसका एक ही उद्देश्य है कि 2 वर्ष पूर्व 8 नवंबर 2016 को जिस तरीके से हमारे देश के महामहिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की और नोटबंदी करने के बाद उन्होंने कहा देश की जनता से कि काला धन वापस आएगा, नक्सलवाद खत्म होगा, आतंकवाद पर पूर्ण रूप से रोक लगेगी। मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से कि कितना नक्सलवाद खत्म हुआ है। आज तक 2 साल पूरे हो चुके हैं, कितने आतंकवाद पे आपने रोक लगाई है और कितना काला धन वापस आया है। आपको बताना चाहता हूँ कि लगभग 99.9% जो है पैसा बैंकों के माध्यम से वापस हो गया है, कोई काला धन इनके पकड़ में आज तक नहीं आया। केवल और केवल नोटबंदी के माध्यम से इन्होंने अपने चहते 15 पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाया है। नाम उनका मैं नहीं यहाँ बताना चाहता हूं आपको। 15 पूंजीपति देश के ऐसे हैं जिन्होंने नोटबंदी के दौरान ना तो कभी लाइन में लगे और ना कुछ, और उन्होंने बहुत मोटे पैसे की कमाई की और आज मालामाल हैं। और उसी नोटबंदी के दौरान हमारे जो गरीब जनता थी, जो लाइन में लगी थी, बुजुर्ग लाइन में लगे थे, किसान लाइन में थे, उनके ऊपर लाठियाँ बरसाई गई। बेचारे लगभग सौ लोग इस नोटबंदी के कारण अपनी जान गंवा बैठे, उनके परिवारों के भरण पोषण के लिए आज सरकार क्या कर रही है, नंबर वन। नंबर टू, आप ये बताइए कि नोटबंदी आपने की, नोटबंदी के बाद जो है जो जिन बच्चियों की शादी नहीं हुई, जिनके परिवार मतलब जो है शादी ब्याह करने वाले थे, पैसा उपलब्ध नहीं हुआ, परिवार उनका ख़त्म हो गया, टूट गया, उनके सपने टूट गए, आखिर मोदी जी इन सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार हैं या नहीं। मोदी जी अगर जिम्मेदार हैं तो नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए आप अपना इस्तीफा दें। आपका 4.5 साल हो गया है, आपने जनता के लिए कोई काम नहीं किया है। जनता आज भी परेशान है, GST से परेशान है, नोटबंदी से तो बहुत परेशान थी, GST से छोटा व्यापारी उससे ज़्यादा परेशान है।